जो सवाल है वो मिसिंग नंबर्स वाला है। इसमें 5 सीरीज दी है हमें, हर सीरीज में एक ना एक नंबर गायब है जो कि मिसिंग है, जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है। हर पार्ट जो है ये एक नंबर मार्क्स का है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि हमने एक रूल ढूंढना होता है जिसके तहत ये नंबर्स एक सीरीज फॉर्म कर रहे हैं। मतलब 4 है तो 4 से 16 कैसे आएगा, 16 से 36 कैसे आएगा, 64 कैसे। अभी कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, 4 है फिर 16 है, ठीक है। 4 और 16 के बीच में गैप मुझे नजर आ रहा है 12 का है। इसी तरह 16 से 36 के बीच में जो गैप है वो 20 का है। इसी तरह 36 से 64 के बीच में जो गैप है वो 28 का है। तो मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो डिफरेंस है उनमें 8 ऐड हो रहा है, यानी 4 प्लस 12 12, फिर 16 16 आया था। 16 प्लस 20 36 आया, फिर 36 प्लस 20 64 आया। तो अब 64 प्लस 36 होना चाहिए इसके तहत। अगर 64 प्लस 36 करते हैं तो ये हमारे पास होगा 100, ठीक है। और इसी रूल के तहत हम चेक कर लेते हैं, फिर अगले में हमें प्लस करना चाहिए डिफरेंस 44। 100 प्लस 44 होता है 144। तो ये हमारा आंसर ठीक हो गया। तो पहले पार्ट में मिसिंग नंबर इज 100। इसी तरह अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ हुआ -1, यहाँ हुआ -2, अब यहाँ हमें नहीं पता क्या हुआ, फिर यहाँ भी जाहिर है हमें नहीं पता क्या हुआ, इनके बीच में हो रहा है -5। तो एक -3 हो सकता है और एक -4 हो सकता है। चेक कर लेते हैं ऐसा अगर हो सकता है तो। 30, फिर -1 हुआ 29, फिर -2 हुआ 27, फिर -3 हुआ 24, फिर -4 हुआ 20, फिर -5 हुआ 15। ये भी ठीक हो गया हमारा, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको देख लिया ये सेटिस्फाई कर रहा है इस रूल। इसी तरह अब अगले पार्ट पे जाते हैं। 3 में, 1 से 7 पे जा रहे हैं तो 6 का डिफरेंस है, 7 से 15 में जा रहे हैं तो 8 का डिफरेंस है, 15 से 25 पे जा रहे हैं तो 10 का डिफरेंस है। तो ये मतलब हर उसमें हर सक्सेसिव टर्म में डिफरेंस में +2 ऐड हो रहा है, 6 8 10। अब अगले में 12 प्लस होगा, 12 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 37। इसी तरह 12 के बाद यहाँ पे जो है 14 प्लस होगा, तो 37 प्लस 14 51 होता है। तो ये भी हमारा ठीक हो गया। इसी तरह आप अगला पार्ट देखते हैं, फोर्थ। फोर्थ में 0 है, 2 है, यानी 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 8 ऐड हुआ, फिर 10 ऐड हुआ, तो अगला 12 ऐड होना चाहिए। ये तो बहुत इजी है, ठीक है। तो ये 42 होगा। अब 5 पे आ जाते हैं, 5 में 48 है, 24, यानी कि हाफ हो गया यहाँ पे, ये हाफ हो गया। उसके बाद 24 72, ये 3 टाइम्स हो गया, 72 36 हाफ हो गया, फिर 36 3 टाइम्स 108, फिर 108 हाफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ हाफ हो रहा है, फिर यहाँ 3 हो रहा है, तो अब यहाँ हाफ होगा। 108 का हाफ होता है 54। तो इस तरह ये सीरीज के सवाल किए जाते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और समझ आए होंगे।